पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। तेज बारिश के दौरान बृहस्पतिवार को तेजम तहसील के राया गांव की हरूली देवी उम्र 47 वर्ष की भारी बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बोल्डर के नीचे दबे महिला के शव को निकाला। हरूली देवी बकरी चराने जंगल गई थी। बारिश से बचने के लिए वह भारी बोल्डर की ओट में बैठ गई। इसी बीच बोल्डर खिसकने से वह उसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देर रात मृतका के शव को तेजम चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखा गया। मृतका का पंचनामा भर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच शुक्रवार को शुरू हुई हवाई यात्रा में पिथौरागढ़ से 14 यात्री देहरादून के लिए रवाना हुए। विमान 1:46 पर पिथौरागढ़ से रवाना हुआ और 3:03 पर देहरादून पहुंच गया। आज रवाना होने वाले यात्रियों में प्रभागीय वन अधिकारी जीवन मोहन दगाड़े भी शामिल थे। इंस्टाग्राम में वायरल हो रहे स्टंटबाजी के वीडियो पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश पर प्रभारी कोतवाली पिथौरागढ़ वरिष्ठ एसआई योगेश कुमार के नेतृत्व में एसआई जावेद हसन ने खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले मोटरसाइकिल चालक गौरव कुमार निवासी सल्ला चिंगरी को वाहन सहित थाने बुलाकर काउंसलिंग की। उसके विरुद्ध एमवीएक्ट की विभिन्न धाराओं में चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया गया। युवक को भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की सख्त हिदायत दी गई। मेरे द्वारा 28 जनवरी 2024 को थरकोट जिले के पास अपनी मोटरसाइकिल पर स्टैंड किया गया इंस्टाग्राम जो मैंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में डाला, जो जान के लिए बहुत हानिकारक एवं यातायात नियमों के विरुद्ध है। अतः मुझे सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का स्टैंड ना करें। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ द्वारा नगर के बिण जाखनी क्षेत्र में भवन कर कैंप लगाया गया। इसमें 77 लोगों ने भवन कर जमा किया तथा 11 नए भवन कर लगाए गए। पालिका के राजस्व निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि 3 फरवरी को पुलिस लाइन में कैंप लगाया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत का हरिद्वार स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण पर पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें विदाई दी। उन्होंने जिले में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। धारचूला के सीओ परवेज अली को पिथौरागढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति ने पुलिस लाइन कोतवाली चंपावत पंचेश्वर थाना लोहाघाट फायर स्टेशन पुलिस कार्यालय व दूर संचार में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ गोष्ठी कर समस्याएं व सुझाव पूछे गए। उन्होंने पुलिस थानों में रहने खाने ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याएं अवकाश आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोई भी परेशानी होने पर सूचना देने को कहा। पिथौरागढ़ कैंट रोड में मानस मंदिर के आगे खड़ी अंशुल पंत की बुलेट मोटरसाइकिल चुरा ली गई है। मोटरसाइकिल का कुछ पता नहीं लगने पर अंशुल पंत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मोटरसाइकिल की खोजबीन में जुटी हुई है। वाहन स्वामी अंशुल पंत ने मोटरसाइकिल दिखाई देने पर मोबाइल नंबर 8800306899 पर सूचना देने की अपील की। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार पिथौरागढ़। दुकान ढाबे की आड़ में शराब बेचने पिलाने वाले दो लोगों को पिथौरागढ़ पुलिस ने अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। शराब के नशे में हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की। मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों का पुलिस अधिनियम में चालान किया गया। साथ ही 7 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद्र पलड़िया ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी। माँ भगवती मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालक दिलीप सिंह वल्दिया ने भी विभिन्न जानकारियां दी। मौखिक प्रश्नोत्तरी में अव्वल रहे छात्र कुशल सिंह राठौर भरत सिंह ज्याला पार्थ सिंह मेहता को पुरस्कृत किया गया। शासन ने शुक्रवार को तहसीलदारों के स्थानांतरण किए। पिथौरागढ़ तहसील में तैनात जगदीश सिंह नेगी को चंपावत भेजा गया। गंगोलीहाट के तहसीलदार
अरुण कुमार नैनीताल भेजे गए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में तैनात नरेंद्र गहतोड़ी और चंपावत में तैनात विजय गोस्वामी को पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया गया। अमन फाउंडेशन की ओर से जिला अस्पताल को एक व्हीलचेयर भेंट की गई। फाउंडेशन के संस्थापक अमन खड़ायत ने बताया कि जिन मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में दिक्कत होती है, व्हीलचेयर से उन्हें सहूलियत मिलेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बुंगाचीना में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। बताया कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को लॉक करके रखना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध की जानकारी दी। ब्लॉकबिण के जूनियर हाईस्कूल मंडप के छात्र महेश कोहली का चयन राज्य स्तरीय NMMSS हेतु हुआ है। यह उत्तराखंड की छात्रवृत्ति परीक्षा है। प्रधानाध्यापक हरीश पांडे ने बताया कि छात्र को कक्षा 9 से लेकर 12 पास होने तक प्रत्येक माह ₹1000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। अभिभावकों ने बताया कि मंडप स्कूल के बच्चे शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे रहते हैं। थानाध्यक्ष शाजर देवल प्रकाश चंद्र पांडे एवं SOG प्रभारी SI हेमचंद्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैर जमानती वारंट के अनुपालन में 3 वारंटी ललित मोहन पांडे निवासी गौच, सूरज खनका निवासी मणमाले और ललित धामी निवासी भोंतड़ी को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।